यार अभी तक पानी नहीं आया, आज मुझे जोरदार की डांट पड़ने वाली है। हमें मेकअप की जरूरत नहीं, हम नेचुरल ब्यूटी हैं। हेलो नीलेश करंगिया। पहले मैंने कंफर्म इसलिए नहीं बोला था क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है, वो लेके जाता है कि नहीं, आई डोंट नो। मैकडी, स्टारबक्स और सामने बहुत सारी यहाँ की जो ब्रांड है दूसरी, वो जगह पे जा रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग गए थे ना, हमको 5,000 का बिल आया था। डिनर के लिए गए थे कुछ। हेलो गुड मॉर्निंग। सो मैं ना आज ये सैलेड बनाया है, देखो कितना टेस्टी है। और मैं कब से जिम में से तो आ गई हूँ, और आज मेरा लेग डे था, लिटिल बिट टायर्ड, ऑब्वियसली मैं थकी जाती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ बॉइल्ड पोटैटो सब्जी एंड राइस एंड दैट्स इट। और ये मेरा बाउल इतना सैलेड का, ये रात तक चलेगा मुझे। और फटाफट खाना बना देती हूँ क्योंकि अभी ना 1 बजे मेरे को आया है। आज ना पानी चला गया और मैं सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई। नीलेश ने उठाया नहीं, लाइक सो गई तो उसने बर्तन धोने के लिए भी नहीं उठाया। और क्या हुआ, पानी चला गया, अभी तक बर्तन नहीं धोए मैंने। वो तो अच्छे, वो गुस्सा नहीं हुआ, वरना मैं सीधा धोने के लिए ही बोलता है, वरना कॉकरोच आ जाता है। अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए। 5 बज रहे, फॉर्म भरा हुआ है, देखो कॉफी बना रही हूँ। लेजी डे, नीलेश का कॉल चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। बका से आ रहे, मैंने ना कल से कॉफी नहीं पी है, सुबह भी नहीं पी थी। नीलेश बोलता है कि कभी कभी ना ऐसे लाइक सोते हुए व्लॉग नहीं करना चाहिए, पर व्लॉग तो कभी भी कर सकते हैं यार। और चलो पानी तो नहीं आया, बट हमारे, मैं ना स्वीट कॉर्न लेके आई थी इतने सारे, लाइक मैंने 50 रुपये के 4 लिए थे, तो अभी भी 2 पड़े हैं। एक कल मैंने खाया था, और मैं रात को खाना अभी अवॉइड कर रही हूँ। लाइक मैं कल खिचड़ी बनाई थी तो मैंने इतनी सी खिचड़ी खाई थी ताकि मुझे नींद आ जाए, कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने खाया था। सो चलो यार, आज तो यार जो भी सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे ना दोपहर को सोना बंद करना पड़ेगा कुछ भी करके। सो लेट्स गो और बनाते हैं स्वीट कॉर्न, लेट्स गो गर्ल्स। पहले चेक कर लेती हूँ पानी आया है कि नहीं, अभी तक नहीं आया। पहले मैं बाल समझती थी इसके, छोटी थी तब, ये इसके बाल है ऐसे मैं बोलती थी जब छोटी थी तब। वैसे मुझे घर में ना शॉर्ट्स वगैरह पहनना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज्यादा नीचे के खा रही हूँ। सब पिंक कलर का आउटफिट पहना है, पिंक एंड व्हाइट। It's done. Yummy, dummy. यहाँ से इतना मस्त सन आ रहा है, आज तो सन दिख रहा है एकदम प्रॉपर।
मुझे ना ये ना बेस्ट चाट है और हेल्दी भी है। यार अभी तक पानी नहीं आया, आज मुझे जोरदार की डांट पड़ने वाली है। पहले मम्मी डांट लगाती थी, अभी ये नीलेश लगाता है डांट। मेरा मुंह अभी तक भरा हुआ है। तो पहले मम्मी डांट लगाती थी, अभी ये लगाएगा। बोला कि पहले मैंने नहीं बोला था, अभी सीधा ही बर्तन वॉश कर लेना चाहिए। शायद 7 बजे आएगा पानी, डांट पड़ने वाली है मुझे। उसका कॉल खत्म हो जाए बस, फिर वो इधर आएगा और मुझे डांट लगाएगा। A few moments later. हेलो। सुबह से मैंने ना ठीक से मुंह भी नहीं धोया है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं हम लोग। और कहाँ पे जा रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि नीलेश ने मैंने एक चीज बोली है, बट वो वहां पे लेके जा रहा है या नहीं आई डोंट नो। मैंने ग्रैंड हाई स्ट्रीट बोला है जो बानेर में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है पुणे की। वहां पे मतलब आज फ्राइडे है, जवानों का अड्डा बोल सकते हो उसको भी। तो तैयार होने के लिए मना किया है नीलेश ने, तो मैंने ना 2 बार आउटफिट दिखाए उसको। बोले नहीं, हमें थोड़ी ना कहीं पे जाना है, नॉर्मल पहन। तो मतलब इससे नॉर्मल अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो बस लिपस्टिक, और मैंने सिर्फ क्रीम लिपस्टिक लगाऊंगी और आईश आईब्रो डिफाइनिंग एंड दैट्स इट। हमें मेकअप की जरूरत नहीं है। कर्ली हेयर का यही फायदा है बस। हमें मेकअप की जरूरत नहीं, हम नेचुरल ब्यूटी हैं। तो मैंने ये ही पहना है, ये बहुत ही ना कंफर्टेबल है। चलो लाइट। हेलो नीलेश करंगिया, कहाँ पे जा रहे हैं हम? कहाँ पे जा रहे हैं? मजा आएगा आप लोगों को, बहुत मस्त जगह है। तो पहले मैंने कंफर्म इसलिए नहीं बोला था क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है, वो लेके जाता है कि नहीं आई डोंट नो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not. So, हम लोग पहुंच गए। ये ना बानेर की बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे ये थिब्रो काफे बहुत ही फेमस है। यहाँ पे काफी अच्छी पेस्ट्री वगैरह मिलती है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे वैसे यहाँ का व्यू ही बहुत ही मस्त है, क्योंकि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है और काफी मस्त है, और काफी अच्छे कूल काफेज भी है और होटल्स भी है, बार भी है यहाँ पे। वहाँ ऊपर इतनी मस्त बार है, वहां पे कितना मस्त व्यू आ रहा होगा ऊपर से। सो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, बस हम लोग टाइम पास के लिए आए हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, बट कुछ एनिवर्सरी वगैरह या फिर बर्थडे वगैरह होता है तो यहाँ पे काफी अच्छे कूल काफे हैं। सो यहाँ पे मैकडी, स्टारबक्स और सामने बहुत सारी यहाँ की जो ब्रांड है, दूसरी दूसरी मतलब खाने पीने की, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी।
अभी हम लोग है बानेर बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट। बानेर की बात बताऊँ अगर तुम्हें, मतलब पुणे में आप सब लोग को पता ही होगा, जिसको पता नहीं होगा उसको बता देते हैं कि पुणे में आईटी कंपनीज ज़्यादा है। पूरे इंडिया में सबको पता ही होगा बेंगलोर और पुणे में सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज है। तो यहाँ पे पुणे में बेसिकली अलग अलग चार पांच एरिया है जहाँ पे मतलब आईटी पार्क बोल सकते हो आप। उसमें एक हो गया हिंजेवाड़ी, बानेर एक हो गया, कौन सा हो गया, खराड़ी, विमान नगर और मगरपट्टा हड़पसर से। तो बानेर भी अच्छा खासा एरिया है, मतलब एक मिनी कोरेगांव पार्क ही बोल सकते हैं अभी तक, है कि नहीं? काफी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे, यहाँ पे आईटी कंपनीज भी बहुत सारी है, फिर रेस्टोरेंट्स, बार्स और पब्स बहुत सारे यहाँ पे। लास्ट कुछ सालों में तो अच्छा खासा डेवलप हो गया ये एरिया। मैं अगर स्पेशली बताऊँ ना कि मुझे यहाँ पे क्या पसंद आता है यहाँ पे बैठने में, मैं ना लड़कियाँ चेकआउट करती हूँ कि उसने क्या पहना है, वो कैसी लग रही है। यहाँ पे एकदम हॉट चिक घूमती है। तो हम अभी वो जगह पे जा रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग गए थे ना, हमको 5,000 का बिल आया था। डिनर के लिए गए थे, कुछ तो था है ना, या फिर ऐसे ही गए थे हम लोग? ऐसे ही गए थे, हाँ ऐसे ही गए थे हम लोग। अच्छा, इनकोग्नेटो ये वाले में 5,000 का बिल आया था बहनों और भाइयों। एक्चुअली हम ऑफिस में कलीग के साथ आए थे यहाँ पे इनकॉग्निटो में, फिर वापस आए थे हम दोनों और एक फ्रेंड, वो दोनों चार लोग। चार लोग का बिल सिर्फ डिनर का आया था 5,000। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट रेस्टोरेंट भी ऐसे, रेस्टोरेंट बार है दोनों। बट वो बहुत ही एस्थेटिक था। मैकडोनल्ड्स नहीं देखना है उधर मुझे। मैकडोनल्ड्स मतलब मैंने इतने बर्गर खाए होंगे, मतलब हर वीक में 2 बार कम से कम खाता था मैं पहले, इसीलिए तो सुख लकड़ी था पहले, बहुत ज्यादा ही खा रहा था मतलब फास्ट फूड पहले। अभी तो मतलब ना के बराबर है, खाता ही नहीं। वो टाइम पे तो बर्गर किंग स्टार्ट भी नहीं हुआ था शायद। हाँ मुझे तो पानी पूरी ज्यादा पसंद है, लाइक मुझे ऐसा नहीं है कि बर्गर पसंद है, ऐसा नहीं है, बहुत पसंद है, बट पानी पूरी के कंपेयर में और सस्ता भी। यहाँ पे हाई स्ट्रीट में आपको लास्ट में ये जो दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला, ये है इनकॉग्निटो और ये है गोंग। गोंग भी अच्छा है बट इनकॉग्निटो भी भारी है। हम लोग वहाँ पे गए थे इनकॉग्निटो में, और पास में ये गोंग भी अच्छा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, रात के 12 बजने को आए अभी। सो हम लोग घर पे आ गए हैं और तो ना नथी कहती हूँ एंडिंग आप मुझे। सो हम लोग घर पे आ गए हैं और बस अभी 12 बज चुके हैं, तो जल्दी सो जाना है मुझे, तो कल जिम जाना है, संडे को ऑफ होगा, कल मेरा वैसे कार्डियो है और रात को 7 से 8 एब्स एंड स्ट्रेंथ वर्कआउट बोल सकते हो, लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो कल तो वही होगा, कल सैटरडे है,
कहीं पे जाने का कुछ प्लान नहीं है, बस घर पे ही हैं दोनों। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।